हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई कोरियन जॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन वन के फर्स्ट एपिसोड को, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर आप लोग को जॉम्बी सीरीज या मूवी देखना पसंद है तो यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है कोरिया में, जहाँ कुछ स्कूल के बुली लड़के एक स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और उस लड़के का नाम जियोंगसू होता है। और उनकी बातों से पता लगता है कि उस लड़के ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था और सुसाइड नोट में सुसाइड का जन इन लड़कों को बताता है। और फिर वो लड़के एक एक करके जियोंगसू को बहुत मारते हैं और फिर अचानक से जियोंगसू की बॉडी में एक अजीब सी एक्टिविटी होने लगती है और फिर जियोंगसू भी उन लड़कों को बिना देखे मारने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जॉम्बी बन रहा होता है। और तभी जियोंगसू एक लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो छत से गिर जाता है और उन लड़कों को लगता है कि जियोंगसू मर गया। और तभी सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियोंगसू हॉस्पिटल में एडमिट है और तब उससे मिलने उसके फादर आते हैं, जिनका नाम मिस्टर ली होता है। और फिर जियोंगसू अपने फादर को कहता है कि मैं उन सभी को मार दूंगा। और फिर उनकी बातों से पता लगता है कि जैसे मिस्टर ली को पता हो कि उनका बेटा जॉम्बी बन रहा है। और उसके बाद जियोंगसू मिस्टर ली को भी काटने की कोशिश करता है और तब मिस्टर ली एक बाइबल उठाते हैं और उससे जियोंगसू को मार देते हैं। और फिर मिस्टर ली जियोंगसू को एक बैग में पैक कर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगते हैं और तभी मिस्टर ली का पैर फंसता है और वो वहाँ नीचे गिर जाते हैं। और तभी जियोंगसू का हाथ उस बैग से बाहर आ जाता है और फिर वो मिस्टर ली के हाथ को पकड़ लेता है और किसी तरह से मिस्टर ली अपना हाथ छुड़ाते हैं। और फिर जियोंगसू उस बैग से बाहर आने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल होता है। और यहाँ पर हमें कोरियन स्कूल के कल्चर के बारे में भी पता लगता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कूल की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, सभी बच्चे यही करने में लगे होते हैं। और तभी हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बच्चे बाहर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की सोकर उठती है और ये वही लड़की होती है जिन्हें हमने स्टार्टिंग में उन बुली लड़कों के साथ देखा होता है, जो जियोंगसू को मार रहे होते हैं। और जब ये लड़की लैब से बाहर जाने लगती है तो उसे अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है और वहाँ पर वो एक बॉक्स को देखती है जिसमें से आहट आ रही होती है और उस बॉक्स में एक चूहा बंद होता है और उस चूहे को देखकर वो उसे प्यार से छूने की कोशिश करने लगती है और इतने में ही वो चूहा उसकी फिंगर में काट लेता है, उसकी फिंगर से ब्लड आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो चूहा जॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। और तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली उनके साइंस टीचर हैं। और फिर मिस्टर ली उस लड़की को बाहर जाने के लिए कहते हैं और फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि उस चूहे ने उसकी फिंगर में काट लिया है। और ये सुनकर मिस्टर ली उस लड़की को वापस लैब में खींच लेते हैं। और इसके बाद हम सीरीज के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है सान और इसकी मॉम का नया रेस्टोरेंट खुला होता है। और फिर ये लोग रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ चिकन खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम सीरीज के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ओंजो। और यहाँ पर वो लोग मिस्टर ली के बारे में बात करते हैं कि उनके बेटे जियोंगसू के गायब होने के बाद उनका व्यवहार बहुत ही अजीब हो गया है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मिस्टर ली ने जियोंगसू के जॉम्बी होने की बात किसी को भी नहीं बताई होती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और फिर ओंजो सैन से रास्ते में पूछती है कि वो खुले बालों में कैसी लगती है और ये सुनकर सैन ओंजो को देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओंजो अपने फादर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी सैन उसे स्कूल के लिए बुलाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और उसके बाद ये दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाला जीतने वाले के बैग को स्कूल तक ले जाएगा और ओंजो हार जाती है और उसे सैन का बैग स्कूल तक ले जाना पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं स्कूल में बहुत ही खुशी का माहौल होता है और सभी बच्चे मौज मस्ती करते हुए स्कूल के लिए आते हैं। और यहाँ पर हम उन बुली लड़कों को भी देखते हैं जो स्टार्टिंग में जियोंगसू को मार रहे होते हैं और यहाँ पर फिर से वो स्कूल की पीछे वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक लड़के और एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उन लड़कों ने उस लड़की की बिना कपड़ों की वीडियो भी बना ली होती है और इससे पता चलता है कि वो कितने हरामी लड़के होते हैं। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक और मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सुयोग और फिर सुयोग उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की की वीडियो को वो लोग इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देते हैं जिससे वो दोनों सुयोग के साथ जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद हम ओंजो को देखते हैं जो सुयोग को देखते ही अपने बाल खोलकर उसके सामने आ जाती है और उसे लंच के बाद छत पर मिलने के लिए कहती है और इससे हमें पता चलता है कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि सुयोग को पसंद करती है। उसके बाद हम देखते हैं सैन और सुयोग अच्छे दोस्त भी होते हैं। उसके बाद क्लास में टीचर आ जाती है और वो
सबसे फोन जमा करने के लिए कहती हैं और फिर टीचर उस लड़की के बारे में पूछती हैं जिसे साइंस लैब में एक चूहे ने काट लिया होता है। जिसके बाद एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि लास्ट टाइम उसने उस लड़की को लैब में देखा था। उसके बाद वो टीचर मिस्टर ली से इस बारे में पूछने के लिए चली जाती है, लेकिन मिस्टर ली साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। और तभी उनकी लैब से कुछ आवाज आती है जिस पर टीचर पूछती है कि ये कैसी आवाज है। तब मिस्टर ली बताते हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए चूहा रखा है, वही आवाज कर रहा होगा। उसके बाद मिस्टर ली वापस उस लैब में जाते हैं और उन्होंने उस लड़की को बांध के रखा होता है क्योंकि वो लड़की पूरी तरह से एक जॉम्बी में बदल चुकी होती है। और ऐसा लगता है कि मिस्टर ली उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं और उसे कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। और तब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना, लेकिन मिस्टर ली उसे कहते हैं कि दुआ करो कि मैं तुम्हें ना मारूं। इसका मतलब ये होता है कि वो उसे मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को क्लास में पढ़ाते हुए देखते हैं और वहाँ पर वो लड़के भी होते हैं जो उन लड़के और लड़की को परेशान कर रहे थे और क्लास में भी वो उस लड़की को परेशान ही कर रहा होता है। और क्लास में मिस्टर ली वायरस के टॉपिक पर पढ़ा रहे होते हैं जहाँ मिस्टर ली किताब में लिखी हुई चीजों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत बताते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ली ने वायरस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की होती है। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी छूट जाती है जिसे मिस्टर ली ने बांध कर रखा होता है और फिर वो वहाँ से अपनी क्लास में आ जाती है और टीचर को सब कुछ सच बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे बांध रखा था और उसे कुछ इंजेक्शन भी लगाए थे। और उसकी ये हालत देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तब टीचर सोयोग और कुछ और बच्चों की मदद से उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाती है और क्योंकि सोयोग जा रहा होता तो उसके पीछे पीछे ओंजो भी पहुंच जाती है और वहां पर वो लड़की ओंजो को काटने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर के पास इलाज के लिए आई होती है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो उस लड़की की हालत देखकर वो वहां से चुपचाप चली जाती है। वहीं बाकी के बच्चे मिस्टर ली के बारे में ये बात कर रहे होते हैं कि जियोंगसु के गायब होने में उस लड़की का भी हाथ था, इसीलिए मिस्टर ली उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। और तभी हम क्लास की प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी पढ़ाई करने में लगी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ गई होती है और वो उस लड़की को ले जाते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ओंजो के पिता भी एम्बुलेंस सर्विस में ही काम करते हैं। और फिर टीचर सुयोग और ओंजो से कहती है कि वो लोग इस बारे में अभी किसी को भी ना बताएं। और तब सुयोग और ओंजो क्लास के लिए आने लगते हैं और तब ओंजो सुयोग को अपना बैज देती है और कोरिया में बैज देने का मतलब ये होता है कि ओंजो सुयोग से डेट के लिए पूछती है। और तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और वो ओंजो से उसकी हाथ में लगी चोट के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपनी लैब में वापस आते हैं और वहाँ पर वो उस लड़की को ना पाकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो टीचर भी आ जाती हैं और वो मिस्टर ली को प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं, लेकिन यहाँ मिस्टर ली उस लड़की को क्वारंटीन करने के लिए बोलते हैं लेकिन उनकी इन बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और प्रिंसिपल इन सब बातों को पुलिस और मीडिया को बताने से मना करते हैं, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया होता है और पुलिस आकर मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्कूल की डॉक्टर को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को नहीं बल्कि डॉक्टर को काट लिया होता है और वो वहीं पर जॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में लंच हो जाता है और सभी बच्चे कैंटीन में लंच करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओंजो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो सैन को नहीं बल्कि सुयोग को पसंद करती है। और वहीं दूसरी तरफ सुयोग क्लास की प्रेसिडेंट पर फिदा होता है और तब सुयोग प्रेसिडेंट से पूछता है कि तुम सबसे अलग क्यों रहती हो। और तब हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट की मॉम ने उसे जबरदस्ती डोनेशन देकर प्रेसिडेंट बनवाया होता है जिसकी वजह से उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। उसके बाद हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जिन्होंने उस लड़की का वीडियो बनाया होता है और वो मेडिकल रूम के पास से ही गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर हम उस मेडिकल टीचर को देखते हैं जो बहुत ही अजीब सी एक्टिविटी कर रही होती है। ये देखकर वो लोग उस टीचर की वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वो टीचर उनकी तरफ घूमती है और वो अब पूरी तरह से जॉम्बी में बदल चुकी होती है और फिर वो उन पर अटैक कर देती है और उनमें से एक के फेस पर बहुत ही बुरी तरह से काट लेती है और ये देखकर वो दूसरा वाला लड़का उसे छुड़ाने लगता है और उसके बाद वो उस पर भी अटैक कर देती है। और फिर हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि वो लड़का भी जॉम्बी बन जाता है और अपनी पास वाली क्लास में जाकर सभी बच्चों को काटने लगता है। उसके बाद हम छत पर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सुसाइड करने जा रही होती है जिसकी उन लोगों ने वीडियो बना ली होती है और तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो उसके साथ में होता है और वो लड़का उसे वहाँ से कूदने के लिए मना करता है और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तू मुझे लाइक करता है और वो लड़का हाँ कर देता है और उसे कूदने के लिए मना करता है। और फिर वो लड़की कहती है कि तू मेरे साथ मत रह क्योंकि तू भी लूजर है और मैं भी लूजर हूँ, अगर हम साथ में रहेंगे तो बहुत बड़े लूजर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो कूदने वाली होती है वो देखती है कि स्कूल की विंडो से बहुत सारे लड़के गिर रहे होते हैं और एक्चुअल में जॉम्बी उन लड़कों को लेकर विंडो से कूद जा रहे हैं। उसके बाद ये जॉम्बी सभी को दौड़ा दौड़ा कर काटने लगते हैं और तभी क्लास की प्रेसिडेंट पर भी जॉम्बी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सुयोग वहाँ पर आकर उसे बचा कर ले जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंटीन का सीन दिखाया जाता है
जाता है, जहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा शांत माहौल होता है, क्योंकि इन लोगों को अभी ये नहीं पता होता कि पूरी स्कूल में क्या चल रहा है। क्योंकि सैन सुयोग का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, तो इसीलिए ओंजो सैन से ये पता करने के लिए कहती है कि सुयोग उसके बारे में क्या सोचता है, और ये सुनकर सैन का दिल टूट जाता है और वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। और उसके बाद ओंजो कैंटीन के गेट की तरफ जाने लगती है, और तभी वहाँ से बहुत सारे जॉम्बी अंदर आने लगते हैं, और फिर पूरे कैंटीन में सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। और तभी एक जॉम्बी ओंजो को काटने के लिए उसकी तरफ भागता है और ओंजो वहाँ पर गिर जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है ये आपको पता चलेगा सेकंड एपिसोड में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।